पूरे हरियाणा ने पूरे भारत ने पूरे हिंदुस्तान ने हरियाणा राम राम हरियाणा बचपन में मैं सोचता था मैं इंजीनियर बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं पहलवान बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं ये बनूंगा बन में गया हूँ म्यूजिक आर्टिस्ट अब मुझे इससे प्यार है इसके अलावा किसी चीज से प्यार नहीं है मैं भोला पर बुरा मेला बॉलीवुड में भी खासा पसंद किए जाते हैं हरियाणवी कल्चर पसंद किया जाता है कई मूवीज़ बेसिकली बनती ही हरियाणा में है सिर्फ हमारी बोली को देखकर ना वो उन पर शूट करती है ना वो उसको अच्छे से निभा पाते हैं बॉलीवुड मूवीज में देखा है और भी काफी जगह मैं देखता हूँ दे हरियाणवी लागे है इसका कुछ करना पड़ेगा सो वो इट लुक्स फनी टू मी लाग, गया लाग गया कि मैं करना पड़ेगा कुछ तो बारी हरियाणवी में होगा ना कि बॉलीवुड तक डंका है हरियाणवी होगा गीतों में रुचि कैसे आई इन क्लास मैंने रामायण पढ़ी है महाभारत पढ़ी है और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। भोलेनाथ से मैंने एज एन आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया सो so मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा ये गाना बनने वाला है भगवान ने मेरे को देना था वो दे दिया और वो बन गया वो रिलीज हुआ और उसने आई गेस मेरी पूरी आगे की जर्नी ही पूरी सेट कर दी मुझे एक ऐसा इंसान अभी तक नहीं मिला है जिसने मुझे ये बोला हो कि नहीं मैं ये गाना नहीं सुना क्योंकि अभी तक लोगों के मन में आएगा हरियाणवी के लिए होता था कि होता है कि खड़े है तो बोलते हैं तो ऐसा लगता है गाली बकरे हैं मेरी सोच बस वहीं तक जाती है कि सबसे टॉप पे हरियाणवी म्यूजिक होना चाहिए नमस्कार देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा पूरा देश भगवा रंग में रगा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरे देश की निगाहें राम नगरी अयोध्या पर हैं। भारतीय सिंगर्स अपने अपने अंदाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाने डेडिकेट कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है जी हाँ काका ऑन द बीट भाई शुभम तोमर उर्फ काका वर्ल्ड सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के पर नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा वासियों की तरफ से राम 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 जी सारा ने हरियाणा वासियों की तरफ से सबको राम राम और पूरे हरियाणा ने पूरे भारत ने, पूरे हिंदुस्तान ने हरियाणा राम राम। जी सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि करीब 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिर राम लल्ला अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं इस पल का कितना बेसब्री से इंतजार था बहुत ही ज्यादा इंतजार था सिर्फ मुझे ही नहीं आई गेस हर एक एक हिंदुस्तानी को इस पल का इंतजार था और अब ये घड़ी आ गई है तो पूरे देश में मतलब लहर है एक के श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री, श्री राम राम आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा मूवमेंट है और जिसपे हर कोई अपना उस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहा है सो हम आर्टिस्ट भी उसमें अपना काम कर रहे हैं और तो इट इज अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर आवर कंट्री और बस यही चाहूंगा कि अब ये लहर टूटे ना और चलती रहे पांच साल दस साल बीस साल सौ साल हजार साल इन्फिनिटी एटर्निटी तक ये चलती रहे अच्छा That's आपने एक गाना right. भी गाया है ना राम आएंगे पर राम जी, तो उसकी कुछ, राम जी तो कुछ उसकी हो जाए <laughs> दो लाइने हाँ जी तो ये गाना जो राम जी मैंने बनाया है ये गाना सीता माता की व्यथा है जब वो कैद में होती हैं रावण की और वो इंतजार कर रही होती हैं, सो so, ये उस वक्त की उनकी फीलिंग्स है और मैं आगे आपको गाकर सुनाता हूँ राम जी राम जी दर्श दिखाओ राम जी ਤੇਰੀ ਸਿੱਤਾ ਪੜੀ ਸੈ ਤੇਰੀ ਬਾਟ ਮੈਂ ਮਨੈ ਆਈ ਕੋ ਨੀਂਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਦੇਖੂ ਲੱਗੇ ਸਉਜਲਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਮਨੈ ਸੂਪ ਦਿਆ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਮਨੈ ਪਾਪ ਤੈ ਬਚਾਓ ਰਾਮ ਜੀ दर्श दिखाओ राम जी एंड देर इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस भी काट दिए मन तेरी गल में चरण तुम्हारे वास मेरा तेरा नाम बस कण कण मैं आखे नम क्यों हुई जब श्याम सी झाको दिल में ही तो है जानकी राम जी, राम जी, दर्श दिखाओ राम जी। बहुत बखूबी गाया है आपने बहुत बेहतरीन थैंक थैंक यू यू अच्छा सर आपका स्टेज नाम काका है तो काका ही क्यों चुना पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काका काका जो सिंगर हैं वो काफी ज्यादा मशहूर हैं स्टेज नाम सेम होने हां से हां कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा एक्चुअली uh, काका मेरा नाम आज से नहीं है बहुत सालों से है मैं mm -hmm. मुझे इंडस्ट्री में आई गेस्ट दस साल हो चुके हैं काम करते हुए और मैं दस सालों से इसी नाम से काम कर रहा हूं जिनकी आप बात कर रही हैं पंजाब इंडस्ट्री में एंड ही केम लेटर बट ही गॉट फेमस सो वाइडली सो दैट उसके बाद क्या हुआ फ्लक्चुएशन बहुत हुई बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हमारी सेम नाम में इट माई नेम वॉज नॉट काका वर्ल्ड बिफोर इट वॉज जस्ट काका

नाम से नहीं बंदे के काम से उसकी वैल्यू होती है सो आई जस्ट बिलीव इन दैट थिंग तो नाम कुछ भी रखो जस्ट डू योर वर्क दैट्स इट हाँ हाँ बिल्कुल सही अच्छा आपकी पैदाइश यूपी की है लेकिन गानों में हरियाणवी टच झलकता है ना रहते दिल्ली में हैं आप <laughs> तो इन तीन राज्यों का एक साथ लेकर चलने में कितनी परेशानियां आती हैं मैनेज कैसे कर पाते हैं कोई परेशानी नहीं आती इवन ऑल्डो मजा बहुत आता है मेरा जन्म जो हुआ है बागपत जिला यूपी के अंदर बागपत जिला है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है और जहाँ पर हरियाणवी खड़ी बोली ही बोली जाती है इट इज अट हल्की सी डिफरेंट है बट इट इज वेरी सिमिलर टू हरियाणवी सब कुछ सिमिलर है और कल्चर सिमिलर है कम्युनिटी सिमिलर है और जस्ट बीच में यमुना नदी पड़ती है बॉर्डर बीच में पड़ता है बाकी सब सेम है और दिल्ली में जो मैं रहा हूँ दिल्ली में भी मैं आउटर दिल्ली में रहा हूँ नजफगढ़ में सो यहाँ पर भी हरियाणा भी बोली जाती है और फिर मैं हरियाणा में रहा हूँ हाँ तो रोहतक में पूरी हरियाणा भी है सो so मेरा पूरा वो कल्चर डेली यूपी पंजाब भी मैं रहा हूँ हरियाणा में भी मैं रहा हूँ तो मुझे हर जगह मजा आया है और मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ही है एंड वो ही ऑब्जर्वेशन वही एक्सपीरियंस में वो कहते हैं हरियाणा से हूँ प्रधाना तो है जी <laughs> हरियाणा हाँ से प्रधान हाँ, यो हरियाणा से प्रधान हाँ, मेरी हरियाणवी थोड़ी कमजोर है तो वो आप ही अपने तरीके से बताना यो हरियाणा से प्रधान हरियाणवी के अंदर एक एक अड़ख होती है एक 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 तरह से मारने वाली बात होती है कि एक लहजा ऐसा है कि एक्सेंट ऐसा है अगर आपने वो पकड़ लिया तो हरियाणवी बहुत प्यारी है और मतलब आप समझ जाओगे उस लैंग्वेज को बहुत इजीली बोल पाओगे मैंने ना इवन बहुत कोशिश की लेकिन हरियाणवी टच मेरा आ ही नहीं पाया इवन मैं खुद रोहतक से हूँ लेकिन हरियाणवी टच आ ही नहीं पाया मतलब हिंदी ही चल रही है मेरी तब से आपने आपने बचपन से ज्यादा हरियाणवी शायद नहीं बोली होगी शायद इस वजह से क्योंकि हरियाणवी अगर अः अगर आप जन्म के बाद ही अगर आप हरियाणवी आप आपकी डेवलप होती है आप उस एनवायरमेंट में रहते हो देन आप वो कर सकते हो लेकिन आफ्टर आ, एन एज अगर आप ट्राई करते हो तो आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि वो जो वो माँ बोली है वो एक्सेंट आपको बचपन से माँ के साथ ही आएगा अगर आपकी माँ घर में या आप रहते जहाँ पर आप हरियाणवी बचपन से बोलते आ रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं बाद में वो Uh, वो एक्सेंट आप नहीं पकड़ पाते जैसे मैंने बहुत लाइक बॉलीवुड मूवीज में देखा है और भी काफी जगह पर मैं देखता हूँ तो दे यूज हरियाणवी है इसका कुछ करना पड़ेगा सो वो इट लुक्स फनी टू लग गया है कि मैं करना पड़ेगा सो so, वो एक अनक और वो एक एक्सेंट नहीं आ पाता है लोगों में बोलना तो वर्ड्स बंदा समझ सकता है उसका मीनिंग समझ सकता है बट उसको किस तरीके से बोलना है डिलीवर कैसे करना है वो सीखना जरूरी है वो कहते हैं ना हरियाणवी खड़ी बोली है इसका एक्सेंट हर किसी के बस की बात नहीं है रोहतक में तो वैसे ही रोहतक के टच रहता है मतलब वो शहर हरियाणा का सेंटर ही कह सकते हैं एक तरह से मतलब हरियाणवी टच आंजी, में आंजी। आंजी। अच्छा हरियाणवी के अंदर काफी सारे डायलेक्ट हैं आप अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको पता होगा काफी डायलेक्ट है एक खड़ी बोली है एक बागड़ी है इस तरह करके काफी सारे डायलेक्ट हैं रोहतक और बहादुरगढ़ बोली बोली तो अलग 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 का, काफी सारे डायलेक्ट है जी। हाँ हाँ। अच्छा जब ये पहला गाना आपने रिलीज किया था भोलेनाथ वर्ल्ड वाइड हिट हुआ था मतलब बच्चे बच्चे को याद था मैं भोला पर्वत का तू रानी महिला की तो कितना अच्छा लगा था उस टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब जब ये गाना बनाया था मैं एक्चुअली आई एम म्यूजिक प्रोड्यूसर बाय प्रोफेशन शुरुआत मैंने एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर शुरू की थी मैं म्यूजिक करता था दूसरे आर्टिस्ट के साथ और वो गाने भी बहुत हिट हुए थे उस समय पर बट भोलेनाथ से मैंने एज एन आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया सो so मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा ये गाना बनने वाला है इट वॉज लाइक इट केम टू मी और मैंने वो गाना बना दिया और वो इतना बड़ा हो गया अच्छा, ऐसा दो दो नहीं है नहीं। कि <laughs> मैं बार तू रानी मेला की तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की किसे राजा ते ब्या कर वाले मेरी गैल मर पछतावेगी तेरी काया पड़ जा काली रे तन याद मेल की आवेगी परिवार नहीं मेरा यारी भूतर बेला की क्यों छोड़ के आवे सुख छोरी तू रानी मैं ना की मैं भोला पर्वत का तू रानी मैला की तेरी मेरी पर पढ़ना बेशक लिखी पैला की थैंक यू <laughs> बहुत अच्छा था मैं बोलने ही लगी थैंक यू बोल दिया <laughs> बहुत अच्छा था मतलब पर्सनली ये गाना लिटरली इतना मजेदार लगता है इंडो वेस्टर्न टच वो भी है इसमें मतलब हर चीजों का अच्छा मिक्सचर एक गाने में है कुट कुट के भरा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल मैं ये मानता हूँ अगर गाना हम भगवान के लिए भी गाने बना रहे हैं उनके लिए तो मेरे गानों में आपने फील किया होगा कि आई राइट इमोशन ऑफ गॉड जो उनके एक पर्टिकुलर एक टाइम पे उनका इमोशन होता है आई फील दैट और मैं उस चीज को लिखता हूँ और मुझे ये लगता है कि जरूरी नहीं है कि अगर गाना डिवोशनल है भजन टाइप है तो उसको हमें वही ओल्ड बिलीव्स पे रह करके उसी तरह से बनाना है वी कैन क्रिएट एनीथिंग म्यूजिक इज लाइक No no so, uh, मतलब राधा गिव्यूज हाँ मतलब है, मिलते हैं इतना बूस्ट करते हैं मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लोग मुझे मिलते हैं मुझे आ, मैं इंडिया के अंदर कहीं भी जाता हूँ तो वेदर इज कश्मीर हिमाचल केरला बहुत जगह मैं गया हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपने ये गाना सुना है मुझे कोई रैंडम इंसान मिलता है मुझे एक ऐसा इंसान अभी तक नहीं मिला है जिसने मुझे ये बोला कि नहीं मैंने ये गाना नहीं सुना सो so, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक ऐसी चीज बनाई जो मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूं बट बनाई और वो वो बना करके वो लोगों को इतनी पसंद आई तो लोग प्यार कर रहे हैं सो so, कुछ ना कुछ तो है परिवार का सपोर्ट रहा इस दौरान बिल्कुल बिल्कुल मेरे मेरे परिवार में मेरी माँ का मेरी माता जी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे शुरुआत से ही सो यू नो एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत ऐसी होती है नोमैडिक होती है कभी कहीं कभी कहीं और मेरा जब मैंने शुरू किया था कोई ऐसा फैमिली में कोई था नहीं कि कोई म्यूजिक में था या मेरा खुद का कोई लिंक था या मुझे खुद ही नहीं पता था कि हाउ आई एम गोना डू थिंग्स बट कुछ मैंने खुद से किया कुछ मेरे घर वालों का सपोर्ट रहा और कुछ ऊपर uh, वाले की कृपा भोलेनाथ की भोलेनाथ की कृपा जी। अच्छा दस साल हो गए आपको हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इस दौरान आपने ना हाँ सिर्फ रोमांटिक डीजे बल्कि डिवोशनल जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं डिवोशनल सॉन्ग्स भी आपने अलग अलग जोनर में दिए हैं धार्मिक हाँ गीतों में ही मतलब खास रुचि आपका मतलब इंट्रोडक्शन ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एल्बम्स जो आई आपकी वो डिवोशनल सॉन्ग्स के जरिए ही पहला आपका गाना जो है वो आया तो धार्मिक गीतों में रुचि कैसे आई एक्चुअली uh, धार्मिक गीतों uh, में रुचि मेरी मैं मानूंगा कि मैं बचपन में जब था मैं राम रामायण पढ़ी है आई वॉज इन सिक्स क्लास मैंने रामायण पढ़ी है महाभारत पढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं सो so, मैं मुझे ऐसा लगता है कि सब कॉन्शियसली वो चीज़ें कहीं पे रह गई हैं एक इंसान का एक आई uh, गेस वो रह जाती हैं कहीं पे और जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था तो मैंने बहुत सारे गाने बनाए पॉप गाने आपने सुने होंगे

एट दैट टाइम जब मैंने भोलेनाथ गाना रिलीज किया उसी समय पर मेरे बहुत सारे ऐसे गाने भी पड़े हुए थे जो आज तक रिलीज नहीं किए हैं जो डांस नंबर्स थे और भोलेनाथ गाने की जो स्टोरी है बनने की वो अपने आप बनाया है तो मैं उसमें कोई अपना ऐसा क्रेडिट नहीं लेता हूँ कि मैंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया ये कर दिया वो भगवान ने मेरे को देना था वो दे दिया और वो बन गया वो रिलीज हुआ और उसने आई गेस मेरी पूरी आगे की जर्नी ही पूरी सेट कर दी बट फॉर मी मेरे लिए धार्मिक गाने मैं ये मानता हूँ कि मैं भगवान से बहुत ज्यादा कुछ गानों में मैं मांगता नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो इतना ज्यादा मेरा नेचर दे नहीं है उनको जो देना है उन्होंने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है दे रहे हैं और देते रहेंगे तो मैं बस चाहता हूं कि जो मैं धार्मिक और जो स्पिरिचुअल गाने बनाता हूं उससे मैं लोगों को कनेक्ट करूं भगवान के प्रति ना कि मैं ऐसी चीजें बनाऊं कि हम बस प्रे कर रहे हैं ये ऐसा मुझे थोड़ा सा उससे डिफरेंट मैं सोचता हूं कि मैं भगवान के बारे में लोगों को बताऊं कि हु इज गॉड एंड व्हाट डज ही मीन टू अस हां तो मतलब वो वेस्टर्न टच से थोड़ा इंडियन कल्चर को मिला दो बन गया वो फ्यूजन वेस्टर्न यू नो व्हाट इज वेस्टर्न म्यूजिक जो प्रोडक्शन जो आजकल चल रही है software, एक, एक बच्चा में करके, एक के पूरा म्यूजिक क्रिएट कर सकता है लाइक व्हाट आई डू आई जस्ट नीड अ लैपटॉप टू क्रिएट एन अमेजिंग सॉन्ग दैट्स इट उसके अंदर सारी चीजें हैं सो so, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि यू हैव एवरीथिंग यू आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि आपको uh, रिलीजियस गाना भी बनाना है तो उसमें ढोलक जरूरी है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे लोगों का आज तक का वो क्या है कि भगवान के गाने भजन का म्यूजिक ऐसा होता है सो आई डोंट एग्री विद दैट थिंग कि अगर आप इमोशन और अच्छे से अच्छे से डिलीवर करना जानते हो तो आप कैसा भी वेस्टर्न बनाइए या आप इंडियन बनाइए बस आप एक अच्छी साउंड बना करके लोगों को सुनाइए कूलर साउंड तो उनको डेफिनेटली मजा आएगा आप क्या लिखते हैं क्या आप इमोशन रखते हैं वो बहुत मैटर करता है बिल्कुल अच्छा अभी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी चीज की कमी लगती हो आ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा आ, जो हरियाणवी की जो ऑडियंस अभी जो बढ़ रही है बहुत ज्यादा बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हरियाणवी कंटेंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है मैं बस ये चाहूंगा कि क्वालिटी uh, बढ़ती रहे क्वालिटी मेंटेन रहे क्वालिटी के लिए हम काम करते रहे क्वांटिटी से ज्यादा हम क्वालिटी पे काम करें और दूसरा है कि uh, हरियाणा के बाहर के जो लोग हैं वो भी अप्रिशिएट करना हरियाणवी को शुरू करें क्योंकि अभी तक लोगों के मन में हरियाणवी के लिए कि होता था कि खड़ी है uh, बोलते हैं तो ऐसा लगता है गाड़ी बकरे हैं mm -hmm. तो वो एक जो लोगों के माइंड में है वो मैं चाहता हूँ खत्म हो और वो हरियाणवी लैंग्वेज को भी म्यूजिक uh, को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करें क्योंकि uh, लोग क्या बात कर रहे हैं क्या इमोशन वो म्यूजिक के थ्रू देना चाह रहे हैं सो so, वो लोगों तक पहुंचे और हरियाणवी म्यूजिक भी आज जिस uh, मुकाम पे पंजाबी म्यूजिक है

इस चीज में बिलीव करता हूं कि वो हरियाणा में आए और हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ काम करें ना कि खुद ही हरियाणवी गाएं क्योंकि ना वो उन पर सूट करती है ना वो उसको अच्छे से निभा पाते हैं और मैं उसमें यही चाहूंगा कि उसमें हरियाणवी कलाकारों को ही मौका मिले जहा लेकिन एक कमी रह जाती है जब भी कोई हरियाणवी हरियाणवी कलाकार बॉलीवुड की मूवी में बोलता है, वो दिल से अच्छा लगता है वो स्क्रीन पे अच्छा लगता है बट जब वो हरियाणवी क्लियर नहीं आती है तो वो बहुत ही लेम लगती है मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ और किसी का मुझे नहीं पता बट आई डोंट रिलेट टू इट अच्छा आप यूपी के बाद बट बॉलीवुड में बॉलीवुड में जो इतना मतलब प्यार अब बॉलीवुड के अंदर जो हरियाणवी मूवी आती है किसी में भी अगर हरियाणवी कोई कैरेक्टर होता है कुछ भी होता है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि अपा है इसे हाँ मैं बोल ही रही थी पहले कि कुछ तो हर मारी हरियाणवी में होगा ना कि बॉलीवुड तक डंका बज रहा है हरियाणवी होगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मतलब सीधी बात मुंह पे कहनी है और जो दिल में है वही बाहर है कोई छल नहीं कोई चलावा नहीं है और बहुत प्यारी सी बोली है लोगों को खड़ी लगती है बट कुछ समय बाद शायद खड़ी ना लगे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने अपने गानों से एक प्यार भरी हरियाणवी लोगों को सुनाने की और अभी मेरी आ, एल्बम भी अभी ईपी आने वाली है उसमें रोमांटिक गाने हैं चार तो वो भी लोगों को एक अलग ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि हरियाणवी में ऐसे गाने भी हो सकते हैं प्यार भरे रोमांस वाले इमोशंस वाले सो so, आयोस के समय के समय के साथ समय के साथ सब कुछ ग्रो होगा जब सभी आर्टिस्ट सभी लोग पूरी इंडस्ट्री मिलके धीरे-धीरे काम करती रहेगी तो यहां तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे बिल्कुल ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी आपको आपके फ्यूचर के लिए थैंक यू अच्छा आप यूपी thank के बागपत जिले से हैं और विश्व आ, में श्रीराम जन्मभूमि भी यूपी में ही स्थित है तो कितनी नजदीक से है ये जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के पूरे संघर्ष की कहानी है वो आपने कितने नजदीक से देखी है आ, मैं एक्चुअली यूपी में बहुत ज्यादा रहा नहीं हूँ मैं तीन साल का था जब हम आ, मेरी फैमिली और हम सब दिल्ली आ गए थे तो यूपी को मैंने बहुत ज्यादा क्लोज से नहीं देखा है मैं कभी अभी अयोध्या नहीं गया हूँ बट मैं जरूर जाऊंगा और बिल्कुल ही क्लोज से मैं देख के आऊंगा उस चीज को वृंदावन घूमा हूँ मैं मथुरा गया हूँ राधा मैंने शूट किया था वहां पर मैंने पूरा वृंदावन इतना एक्सप्लोर किया और उस दौरान अब अब जब भी मैं अः वो अपना वीडियो देखता हूँ या गाना सुनता हूँ मुझे वो वृंदावन मेरे मेरे जहन में घूमता है सो so, अयोध्या के लिए भी यही है कि जिस दिन मैं अयोध्या गया मुझे पता है कि उसके बाद मैं उसको भूलने वाला नहीं हूँ यही पूछने वाली थी आपसे अगला सवाल प्राण प्रतिष्ठा तो देखिए तो, को हो नहीं करता हूं। आ, अपने आप बुला लिया जाऊंगा मैं और मैं चला जाऊंगा वो एक मेरे लिए मूवमेंट होगा सो so, मैं उस मूवमेंट के लिए कभी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूँ गो जब आएगा और वो अपने आप आ जाएगा मुझे पता है ये ना हम भारतीयों में ना बहुत ज्यादा खास बात होती है मतलब संस्कृति को लेकर हम यही कहते हैं कि जब राधे रानी बुलाएगी या जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे तो उसी बुलावे का भी आपको इंतजार है है वो वो बुलावा बुलावा क्या होता है? वो बुलावा कोई एक्चुअली कोई बुलाने नहीं आता है लेकिन आपकी लाइफ में सरकम ऐसा होता है कि आपने सोचा नहीं होता आप सुबह बैठे हो और आपको पता ही नहीं है शाम को कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इवेंट हुआ कि शाम को आप निकल गए सो यही बुलावा होता है तो जब बुलाना होता, होता है, है। पब्बा ने तो बुला लिया हां जी <laughs> बिल्कुल अच्छा आ, कई इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में जो अपना करियर सेट अप करने के के बाद पर एक्टिंग के या फिर म्यूजिक में भी जो है, वो पॉलिटिक्स तो क्या हम काका वर्ल्ड को भी कभी इस अंदाज में या इस भूमिका में देखने वाले हैं अभी तक मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है क्योंकि अभी मेरा प्राइम फोकस मेरा मेरे म्यूजिक करियर पर है पर आगे का तो कुछ नहीं पता क्योंकि बचपन में मैं सोचता था मैं इंजीनियर बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं पहलवान बनूंगा फिर मैंने सोचा मैं ये बनूंगा बन में गया हूँ म्यूजिक आर्टिस्ट अब मुझे इससे प्यार है इसके अलावा किसी चीज़ से प्यार नहीं है लेकिन हु नोज के आगे पांच साल बाद में मुझे किस चीज़ में ज़्यादा मजा आएगा सो इट्स ऑलवेज अनप्लैंड उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ तो so, कभी सोचा भी नहीं कि कभी ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स यू नो बट आई 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 टोटली आई एम आई विल डू इट अगर मुझे कोई अच्छा मौका मिलता है बिकॉज़ फॉर मी पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि आपको मौका मिलता है कि आप uh, लोगों की बातें लोग आपको आपकी बातें बता सकते हैं एंड यू हैव द पावर कि आप उन लोगों की बातें सुन करके आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो सो so, अगर तो मुझे पावर वो पावर मिलती है कि यस एग्जैक्टली सो अगर मेरे मेरे पास, मेरे पास हाथ में कोई ऐसा ऐसी ऐसा तख्त आता है ऐसी कोई मुझे <laughs> पावर मिलती है कि मैं मैं चार लोगों की मदद कर सकूं तो डेफिनेटली मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा और मैं मदद करने के लिए आगे रहूंगा हमेशा अच्छा, तो मेरे आगे... लिए तो पॉलिटिक्स एक वही चीज है कि देश की सेवा करना और अपने लोगों की सेवा करना सो अगर उसके लिए मौका मिलता है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होगा अच्छा आपके फैंस के लिए फॉलोअर्स के लिए कोई नया रिलीज कोई नया गाना या काका कभी का एक्टिंग में या फिल्मों में दिखेंगे उनके लिए मतलब मन में तो बहुत आती है कि एक मूवी भी करनी चाहिए फिल्मों में भी आना चाहिए बट आ, मैं बस यही मानता हूँ कि समय के साथ सारी चीजें होती हैं जब उसका कोई अच्छा समय आएगा तो वो चीज भी अपने आप हो जाएगी आई डोंट लाइक रश अबाउट थिंग्स के अभी करना है या मुझे जो चीज मेरे पास है मैं अभी उसमें खुश हूँ जब वो आगे आएगी तो उसको भी देख लेंगे देख लेंगे हरियाणा भी है सब निपटा देख लेंगे, लेंगे। <laughs> देख लेंगे जी सब निपटा देंगे हर चीज करेंगे दिल से करेंगे खुश होके करेंगे और सच्चे मन से करेंगे बस यही सोचा है जिंदगी में बाकी मेरा नया गाना एक एफिल टावर एक डांस नंबर मेरा अभी रिलीज हुआ है दो दिन पहले और उस बहुत ही पेपी बहुत ही अच्छा म्यूजिक वीडियो है मैंने उसमें थोड़ा सा डांस भी किया है सो so, हाँ वो मैंने देखा है आई होप यू ऑल चेक आउट अच्छा आखिरी संदेश राम भक्तों के लिए काका वर्ल्ड की तरफ से सबसे पहले जय श्री राम और मैं आप सभी लोगों से बस ये कहना चाहूंगा कि श्री राम 22 तारीख को आ रहे हैं वैसे वो यहीं पर हैं हमारे साथ ही हैं आज से नहीं सदियों से हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेंगे पर ये जो एक मोमेंट जो शुरू हुआ है जो एक पूरे देश में लहर है आ, मैं बस यही चाहता हूँ कि इसको बनाए रखें और अपने देश की तरफ ज्यादा ध्यान दें भक्ति के साथ साथ जो राम श्री राम ने हमें सीख दिए हैं जो उनकी बातें हैं जो उनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है हम उनके उस चरित्र को अपनाएं तो आई गेस के वो उनके लिए उनकी भक्ति सबसे ज्यादा बड़ी भक्ति होगी कि उनका जो चरित्र है वो एक इंसान अपने अंदर लेके आ सके। बिल्कुल। तो बस बस मेरे तो यही है कि भगवान से प्यार करो और जैसे वो है उनके जैसा बन जाओ दैट बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए जो आपने बातें बताई हैं कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल को तो जरूर छू गई होंगी ये थे हमारे साथ हरियाणवी इंडस्ट्री के म्यूजिक सेंसेशन काका वर्ल्ड काल्ड शुभम तोमर जरूर कुछ ना कुछ thank आप you, होने सीखा होगा इनसे इनकी जिंदगी से जो इन्होंने बातें हमारे साथ शेयर की हैं सर बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू रिंकी फॉर हैविंग मी थैंक यू वेरी मच और thank मेरी जय श्री राम 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 सभी को हरियाणा की तरफ राम राम. So, okay. जय श्री राम सर जय श्री राम बाय बाय